global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. आशु जी ने दिया है। आशु जी ने जब ये सब्जेक्ट मेरे पास लेके आए तो आज मैं पहले कंफ्यूज था करके आशु जी अच्छा लगेगा, तो आशु जी ने बताया करके सर मैं एक बार करके दिखाती हूँ, एक होने के बाद मुझे बता देना कैसा लग रहा है आपको। लेकिन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आशु जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें दिया है करके। पहले तो मैं ये बात सुन के मुझे हैरान हो गई थी, ठीक है चलो आई विल डू दिस पार्ट। सो व्हेन इट्स कम्स अबाउट ऑफ ऑल दीज सीन्स एजी सीन्स एंड ऑल, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बिकॉज इन पर्सनल लाइफ मस्ट बी आई लुक वेरी मॉडर्न वेरी बोल्ड और समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट द पर्सन एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड हु विल बी वेरी कम्फर्टेबल ऑन दोज विद दोज सीन्स एक्चुअली। तो फिर लेटर ऑन आई रियलाइज कि नहीं चलो इट्स ओके, बीइंग एन एक्ट्रेस यू सपोज टू बी देयर एंड कहीं ना कहीं यू हैव टू बी। सो शी वॉज द ओनली वन, मुझे अभी भी याद है वो सीन पर्टिकुलर करने के लिए आई टू टू आवर्स, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं मुझे नहीं होने वाला, मेरे से मैं दो घंटे ऐसे आई वॉज लाइक स्टबर्न, नो आई कांट डू इट, लाइक सब बंद करो बंद पैकअप, दो घंटा शी वॉज द ओनली वन काउंसलिंग मी बेबी यू हैव टू डू इट। And she was start giving me all those reference jinhone legendly jin log perform karte hain un log yes done okay chalo can you why not, so now I'm very comfortable seeing me myself whatever I did as an actor.
सर आपसे जानना चाहूँगा, एक अलग तरह की शुरुआत मुझे लग रहा है कि इस तरह का कंटेंट बड़ी मुझे लगता है कि इस तरह का कंटेंट आया नहीं है, एक अलग कोशिश करी जा रही है और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात करें, जिस तरह से एक्सप्लोर हुआ है उसके अंदर एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आपको ऑडियंस? यू नो अदरवाइज लुक वेरी इंप्रेसिव, यू गेट गूज़बम्प्स जब आप देखते हैं, आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स नॉट अबाउट इंटीमेट सीन, इट्स मोर अबाउट द ह्यूमन रिलेशन, इट्स मोर अबाउट द इमोशन। मैंने अभी कहा था उधर कि हम लोग ने ये जो सब्जेक्ट लिया था तो थोड़ा बहुत बोल्डनेस, जो उसका जो पीछे का जो उनका जो सफरिंग्स है वो भी हम लोग चाहते हैं कि आगे लेके आए, तो एक नया सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ इसी के बारे में कि अगर थोड़ा सा अगर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज होता है उस कैटर की तरफ से तो भी हमारे लिए वो सक्सेस होगा, जो बहुत ज़रूरी है बस जो, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस। सर टॉकिंग अबाउट प्राइम क्लिक्स, क्या मतलब कैसे डिफरेंट है अदर प्लेटफॉर्म से, जैसे और भी आपने डाउनलोड किया हमारा ऐप? अभी वन थ्रू ऑल माय सीरीज, अभी वन थ्रू ऑल माय सीरीज, देखो देखो फिर डिफरेंट ही है वो सब। अरे सही बात, जॉनर जो है उसका सब्जेक्ट से ऑल डिफरेंट है, राइट। और अभी भी नहीं, अक्टूबर तक ऐसे डिफरेंट ही मिलेगा आपको अलग सब्जेक्ट, राइट। गो थ्रू ऐप, ऐप डाउनलोड करा दो पहले, सीरीज देखो। आल्सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ प्राइम क्लिक्स, इफ यू कैन ब्रीफ अबाउट दैट? द बिगनिंग इटसेल्फ आई टोल्ड, हम लोग ने कहा था कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, या वो अभी भी वही है, तो नॉट वल्गर, नथिंग लाइक दैट, खूबसूरत भी दिखे और सब्जेक्ट वाइज बोल्ड, राइट, सही है बोल्ड सब्जेक्ट। ऑल्सो आप जो है सेंसिबल टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, हमने देखा, तो सर कैसे मतलब चुनाव कैसे होता है कि ये हमें और इट गोस टू हर, मैम इफ यू कैन टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ प्राइम क्लिक्स, सो शी कम आउट विद डिफरेंट सब्जेक्ट। सो बेसिकली हम लोग ऐसे जब चैनल के एक सीट पे बैठे रहते हैं या फिर चैनल एक सीट देता है, मतलब ऑल थैंक्स टू माय बॉसेस राकेश सर एंड किरण सर, उतना फेथ दिखाते हैं मुझमें। हम लोग यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सोच के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है, क्योंकि फिर व्यूअर्स के बहुत फीडबैक आते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, स्पेशली जब आप कोई बोल्ड टॉपिक पे लेते हो, ऐसे नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये एग्जिस्ट करती है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो प्राइम क्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, हम बनावटी तो दिखाना चाहते हैं ही नहीं कहीं किसी भी स्टेज पे। दूसरा बात यह है, एज अ चैनल ऑब्वियसली हम उस यूथ के पास पहुंचना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम उस मास के पास पहुंचाना चाहते हैं जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ताकि कल को उनके सामने अगर ऐसे कोई चीज़ आए तो रैदर देन बिहेविंग नेगेटिवली दे विल हैव द पावर टू अंडरस्टैंड कि नहीं, थिंग्स लाइक दिस हैपन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो प्राइम क्लिक्स का यही मोटिव है टू इट्स व्यू। आई विल ऐड ओवर, जो जनरेशन अभी है चल रहा है हम लोग का, समझो जो बोली वी आर टारगेटिंग द टीनेजर्स, वही फ्यूचर है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज होता है, उनका माइंड अगर सेट पूरा चेंज होता है, डेफिनेटली वी विल हैव अ बेटर। इनफैक्ट समवन शुड बी देयर हु कैन ब्रेक दिस, व्हाई वी ऑलवेज वांटेड टू सी द वे वी रियली वांटेड टू, जब व्हेन वी पिक्चराइज बड़े पर्दे में तब तो हम कर लेते हैं, क्यों छोटे पर्दे में? हम घर घर तक नहीं पहुँच सकते, विच इज ट्रू। But man, big players in the market, Netflix is there, Amazon is there, Hotstar is there, they have a decent budget for the production kind of thing. So how will you, you know, try to make a difference through your platform? हमारा फिलहाल तो सर मोटिव यही है कि हम घर घर तक पहुँचे, तो वी आर वेरी कॉन्टेंट ओरिएंटेड चैनल, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही लेके जाएंगे, हमारा हमेशा ये डुअल मोटिव रहेगा, एक है सोशल कॉज को बढ़ावा देना, दूसरा है ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करना। तो टचवुड एक महीने मतलब दो महीने से हम लॉन्च हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ग्राफ स्केल, एंड आगे भी वैसे ही होता रहेगा, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। मैम आपसे जानना चाहूँगा टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, हाईवे में हमने देखा था इसी तरह के टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया था, तो आपने कुछ रेफरेंसेस लिए थे फॉर योर कैरेक्टर? जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ, बट आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंस बिटवीन द एजेस, बिकॉज मैं अभी भी थोड़ी देर पहले इसी सिलसिले में बात हो रही थी और बहुत ही इट्स वेरी कोइंसिडेंस रिलेटेड द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क राइट नाउ, आई लुक बोल्ड सेक्सी वेरी डोमिनेंट वुमन, वेर द पर्सनल लाइफ आई एम वेरी सटल वेरी सोशल, बट द थिंग इज व्हेन इट्स कम्स अबाउट ऑफ द व्हेन यू गोइंग टू लीड समथिंग लीड समवेयर एल्स, मैं बहुत ही ज़्यादा वो डोमिनेंट वुमन हो जाती हूँ, विच इज़ आई एम देयर आई एम हेयर, सो फॉर मी आई रियली डोंट वॉन्टेड टू टेक एनी रेफरेंस फ्रॉम अदर्स, वेर आई रियली वॉन्टेड टू प्रिटेंड माई सेल्फ, so this is my answer which is I am
तो ये बहुत ही पता नहीं कोइंसिडेंस केम टू मी कैरेक्टर तू है तो मतलब ठीक है ये तो मैं ही हूँ इतनी फर्क है एज में नहीं हूँ एज में नहीं या बट हाँ वो सीन के बारे में होते तो मैं हाइट ओके बिकॉज जनरली आई एम नॉट इनटू लाइक दैट ऑफ थिंग्स बस लाइक दैट व्हेन इट कम्स अबाउट बॉसी थिंग आई एम देयर ओके कर लेगा So I'm there. Okay, आखिरी सवाल आपसे हाँ जी हाँ जी ये हाजिर जवाबी कहाँ से सीखी है आपने शाहरुख इट रिमाइंड मी ऑफ द वे शाहरुख इंटरेक्ट विद मीडिया तो पूछने से पहले जवाब रेडी है और वो भी हर फन मोहल्ला है अब देखिए अब कलाकार हमने आपने आपको साबित तो कर दी है तो अगर एक्टिंग खाली स्क्रीन में करूँ तो फायदा क्या हाँ और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट है जब मौका मिल गया इतने सारे मर्दों को नीचे करना दैट्स माय कैरेक्टर मैम एक सवाल यहाँ पे पोस्टर देख रहा मैं पोस्टर बहुत ही कैप्टिवेटिंग लग रहा है जो आइडिया था बिहाइंड द पोस्टर आई वांट टू नो अबाउट दैट किसका आइडिया था कैसा था इट लुक्स वेरी कैप्टिवेटिंग ओके सो द थिंग इज अगेन इत्तेफाक से तो मैम को मैं पूछती ही रहती थी जब मुझे कास्ट किया गया तो अभी मेरा फिर और दो तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब जहाँ से मुझे ना खाली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलते हैं एंड आई एम समथिंग मुझे भी थोड़ा बच्चा वाला रोल दे दो तो इन्होंने बोले तभी बाल उगा ले सो आई सेड ओके उगा लूँगी मगर वो तो बिग भी चलेगा तो उन्होंने बोला एक्चुअली यू द वे यू जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो क्लोथ्स है तो कैसे कलर्स है तो मैंने बोले रेड है ब्लैक है ब्राउन है वाइट है बोले मैं तो कहाँ से सोशल लगेगी ऑल अ स्ट्रॉन्ग तो बोले यस मस्ट बी बिकॉज आई लाइक पर्सनली दोस कलर्स तो उन्होंने बोला था मुझे पर्टिकुलर तुझे वही गाउन चाहिए जो मतलब आई रियली वॉन्टेड टू सी तो उन्होंने पहन ले और खड़े हो जा एंड आई गिव ओके मैं तो बॉस लगी रही हूँ सो लेट मी गिव द एक्सप्रेशन सो इट्स केम एंड थैंक्स टू व्हाट इज नेम द फोटोग्राफर आई मस्ट से रजत रजत ही रियली नेल्ड इट रजत नेल्ड इट कंप्लीटली थैंक यू रजत यू मेड इट एंड पोस्टर जी आपने जो प्रश्न पूछा मैंने इसीलिए श्री को लुक भी दिया हमने कुछ 20-25 पोस्टर बनाए होंगे तो ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद वो नहीं पसंद फिर लास्ट में ये निकल के आया कि यस इसमें लग रहा है कि कुछ ये तो मैं भी नहीं लग रही उसमें जो हूँ मैं अश्वित धालीवाल जी आशु धालीवाल जी बिकॉज आई स्टार्टेड विद हर व्हेन इन 2006 व्हेन आई केम टू मुंबई आई डिड माय फर्स्ट शो फॉर यूटीवी बिंदास वाज कॉल्ड सोनिया चिलमार आई डिड दिस कैरेक्टर And she was the associate producer in that. So this is how the journey started. And we both are Punjabi, so we got gel well on the set. And उनके बारे में मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो decision maker हैं. वो बोल देती हैं कि ये सही है. एक बार में confused नहीं है life में. So that's what I like about her. And that is why I'm here. And then I saw her work, which I knew will gonna be good and great and different from other what. people are doing and which it is which we all have seen now कि इस तरह के different subjects पे काम क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इतने OTT platforms हैं और इतना content बन रहा है audience भी confused है कि क्या देखे क्या नहीं देखे तो उस सब के बीच में अगर कोई एक अलग सी बात कहता है तो एक आपका ध्यान आकर्षित करती है जो मुझे लगता है कि ये फिल्म का पोस्टर ही सीरीज का पोस्टर ही कर रहा है अपने आप में देखिए मैं एक एक्टर हूँ मैं 7 साल का था तब मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी थिएटर से तो मैंने 13 साल थिएटर ही किया फिर मैं बॉम्बे आया तो मेरे लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे OTT हो या फिल्म हो या टेलीविज़न हो मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं अगर मैं उस तरफ आकर ऑडियंस के नज़रिए से देखूँगा तो ये सवाल वाजिब है आपका जो आपने मुझसे किया लेकिन एज एन एक्टर मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं और मुझे ऐसा काम करना है जो लोगों के जहन में रहे और बाय द गॉड ग्रेस और लोगों के प्यार की वजह से मैंने 12 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं सिर्फ 4 शो करे हैं बहुत लोग मुझे उसके लिए शायद बुरा भी बोलते होंगे क्योंकि मैं मना कर देता हूँ तो समझते होंगे कि इसको ज़्यादा ही समझदारी है पर मेरे को जितनी भी समझ आती है वो ऑडियंस ने उसका जवाब दिया है कि मेरा कोई भी शो 2 महीने में बंद नहीं हुआ मतलब कोई 5 साल कोई 3 साल ऐसे चले हैं और मैंने गिनती के शोज़ करे तो मुझे समझ में आ जाता है कि ऑडियंस को क्या देना है क्या चाहती है और मैं लकी हूँ कि ऑडियंस मेरा काम पसंद करती है करेक्ट खास सबसे ज़्यादा किरदार सब्जेक्ट जो कि अपने आप में उसका जो नाम है हैशटैग मंडी ये है मंडी तो बेसिकली एक इन्होंने इमोशंस की मंडी
जैसा कि आशु जी ने भी कहा कि एक इमोशन की मंडी इन लोगों ने सेट की है, जो कि दुनिया में है ही, हम हर इंसान के जीवन में कई तरह के इमोशंस हैं। अब बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं आज के इस टाइम में जब हम हैं, तो वो इमोशंस को लेकर के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे हैं। तो वो ये कहना चाह रही हैं कि वो इमोशंस आप जो हो वो खुल के सामने आ जाओ, और उन्होंने कितनी सुंदरता से कही ये तो हमको सीरीज देख के पता चलेगा, तो इसके लिए देखना चाहिए सबको। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।